फ्रेंड्स, सीनियर आर्टिस्ट मनोज जोशी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मनोज जोशी को 1990 में निभाए चाणक्य किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। मनोज ने लंबे समय से थिएटर से भी जुड़े रहे हैं। हिंदी फिल्मों में मनोज ने कई यादगार किरदार निभाए हैं। उन्होंने सलमान के साथ क्योंकि में काम किया है। मनोज गरम मसाला, भागम भाग और हलचल जैसी कई शानदार फिल्मों में बॉलीवुड में अपनी अलग अलग पहचान बना चुके हैं। उन्हें हॉरर सीरियल शो में भी देखा गया। जोशी को असली पहचान 2003 में मिली फिल्म हंगामा से मिली थी। इसके बाद ये हलचल, भूल भुलैया, फिर हेरा फेरी और चुप चुपके जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए। पिछले दिनों पाकिस्तानी कलाकारों के हिंदुस्तान में काम करने को लेकर दिए अपने बयान के चलते मनोज काफी चर्चा में थे। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के कलाकारों का जो होना होगा वह होगा, लेकिन मेरे लिए देश सबसे ऊपर है। इस साल पद्म सम्मान के लिए चुने गए 84 लोगों में से शेष बचे 41 विशिष्ट नागरिकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व कप्तान धोनी और आडवाणी के अलावा 41 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई हस्तियां उपस्थित रही। इससे पहले 20 मार्च को आयोजित सम्मान समारोह में मशहूर संगीतकार इलैया राजा और शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफा खान समेत 39 हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले में भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा, बिशप क्रिसोस्तम, पुरातत्वविद रामचंद्रन नागास्वामी, कानूनविद वेद प्रकाश नंदा और प्रख्यात सितार वादक पंडित अरविंद पारिख भी शामिल थे। पद्मश्री सम्मान पाने वाले 37 हस्तियों में पूर्व टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देव वर्मन शामिल थे, तो हर्बल दवाइयां बनाकर लोगों की जिंदगी बचाने वाली केरल की आदिवासी महिला लक्ष्मी कुट्टी भी शामिल रही। मध्य प्रदेश की आदिवासी चित्रकारी लोकप्रिय बनाने वाले गोंड चित्रकार भाज्यू श्याम भी पद्मश्री से नवाजे गए। For more information, log on to www.clips.in.